दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सपर्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मोटो G9 इंडिया में लॉन्च हो चुका है एंड प्राइस 11,500 है। मोटो G9 प्लस का बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं जो कि मोटो G8 प्लस का सक्सेसर होगा एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते कब आएगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, सारी चीजें। अब क्या है, एक यूरोपियन ऑपरेटर है, उसने सारे स्पेसिफिकेशन लीक कर दिए हैं। सारे तो नहीं, एक दो चीज मिसिंग है उसमें जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन उसने लीक कर दिए हैं। प्राइस के साथ सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है मोटो G9 प्लस। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर मुझसे चैट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। इंस्टाग्राम पे अगर आते हो तो वहां पे मैं चैट करता हूँ सबसे। कोई भी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो वहां पर आकर। मैं सबको आंसर देता हूँ, आपको भी आंसर दे दूंगा। एक वेबसाइट पे लीक हुआ है एंड सारी चीजें पहले बता दूं तो इसका प्राइसिंग कहा जा रहा है कि 235 यूरो के आसपास होगा। अगर कन्वर्ट करते हो तो 20,000 के आसपास आ रहा है। लेकिन यूरोप के प्राइसेस जो होते हैं वो इंडिया से ज्यादा होते हैं। जैसे अगर मोटो वन फ्यूजन प्लस की बात करोगे तो यूरोप में वो कुछ 25,000 से 27,000 के आसपास लॉन्च हुआ था एंड इंडिया में 17,000 पे लॉन्च हुआ था, 16,000 पे। तो प्राइसेस थोड़े कम होते हैं। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में 15,000 के आसपास की प्राइस में आएगा, जिसमें मोटो G8 प्लस भी उसी प्राइस में आया था। उसके बाद कुछ फोटोज भी लीक हुए थे इसके, जो कि आते रहेंगे, आपको साइड में देखते रहो आप, वहां पे तो फोटोज आते ही रहते हैं साइड में। अब स्पेसिफिकेशन पे आते हैं, जो लीक हुए हैं उनके हिसाब से बताता हूं कि सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो कहा जा रहा है इसमें 6.81 इंच की बड़ी डिस्प्ले आने वाली है जो कि IPS की पैनल होगी। साइड में पंच होल होगा, फुल HD प्लस का डिस्प्ले होगा, 1080x2400 का रेजोल्यूशन होगा, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो होगा। रियर साइड पे प्लास्टिक होगा, प्रोटेक्शन कौन सा मिलेगा पता नहीं है। रियर साइड पे क्वाड कैमरा का सेटअप होगा, रियर साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। तो सारी चीजें होंगी, देखने में स्मार्टफोन एक मोटो के नॉर्मल स्मार्टफोन जैसा होता है ना वैसा ही दिखेगा, लेकिन पंच होल आपको देखने में अच्छा लगेगा। दोस्तों अब आते हैं चिपसेट पे। चिपसेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन वहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ लीक से पता चल रहा था कि ये स्मार्टफोन आपको स्नैपड्रैगन 690 जो 5G चिपसेट है उसके ऊपर आने वाला है। लेकिन वो भी मुझे लगता है गलत है, क्योंकि अगर आप जाओगे देखोगे जो आज स्पेसिफिकेशन लीक हुए उसमें वहां पे लिखा हुआ है 4G। अगर 4G लिखा है तो ऑब्वियसली 5G चिपसेट शायद नया है इस पे। अब वो देखने वाली बात होगी क्या करते हैं उसके साथ, क्या पता 690 देकर उसको लॉक कर दें 4G पे। जो भी चीजें होंगी सारी चीजें बताऊंगा जब आएगा, वैसे इसके बारे में जैसे पता चलेगा वैसे ही वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी चिपसेट के बारे में कुछ खास पता नहीं चला है। लेकिन ये चीज पता चल गया कि स्टॉक एंड्रॉइड पे आने वाला है जो कि एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड होगा। तो ज्यादा ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलेंगे आपको, स्टॉक एंड्रॉइड प्योर एंड्रॉइड होता है, तो वहां पे ज्यादा इश्यूज आपको आएंगे नहीं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कैमरा की। तो रियर साइड पे कहा गया है क्वाड कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का, पॉसिबली सैमसंग का सेंसर हो जो कि उनका GWN का सेंसर, इसका अपर्चर जो भी हो सारी चीजें हो, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सब कर लोगे, गूगल पैनोरामा सब कुछ कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके साथ कहा जा रहा है एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, एक मैक्रो लेंस होगा, एक डेप्थ सेंसर होगा। तो मतलब वही 64+8+2+2 वाला ही कॉम्बिनेशन समझ लो, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसमें अभी प्राइमरी सेंसर जो है यही बताया गया है कि क्वाड कैमरा होगा जिसमें प्राइमरी होगा जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर होगा। दोस्तों उसके साथ फ्रंट कैमरा का कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो देखेंगे कितना आता है, कितना देता है, 16-12 जो भी होगा फ्रंट में वो देखा जाएगा। लेकिन कैमरा के बारे में इतना पता चला है कि रियर साइड पे आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिलने वाला है। बैटरी क्लियर कर दी गई है, 5000mAh की बैटरी आएगी, लेकिन अब टाइप सी होगा नहीं होगा वो नहीं बताया गया। एंड फास्ट चार्जर आएगा श्योर, लेकिन कितने वैट का आएगा, कुछ लीक्स बता रहे हैं 33 वैट का आएगा, कुछ लीक्स बता रहे हैं 18 वैट का आएगा, लेकिन फास्ट चार्जर आपको कंफर्म मिलने वाला है, वो देखने वाली बात होगी। आई विश कि इस बार फास्ट ज्यादा चार्जर नहीं, ज्यादा फास्ट चार्जर नहीं, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या लेकर आते हैं, जैसे आएगा वैसे उसके बारे में दूंगा। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि आपको बड़ी बैटरी 5000mAh की इसमें मिलने वाली है। सेंसर सारे हो जाएंगे आपको, फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर साइड पे होगा, फेस अनलॉक काम करेगा, 3.5mm जैक होगा, वाइड वन L1 होगा, कैमरा 2P स्टॉक पे तो मिल ही जाएगा। तो जितने भी बेसिक सेंसर्स होते हैं सारे इश्यूज नहीं आएंगे, कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, सारे सेंसर्स को जीरो स्कोप, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। तो सेंसर्स के डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं होने वाला है। स्लॉट बताया गया डेडिकेटेड है, यानी 2 SIM कार्ड के साथ SD कार्ड लगा सकते हो, कितने GB तक बढ़ा सकते हो वहां पे कुछ बताया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 256 GB तक आएगा। एंड रैम वेरिएंट, स्टोरेज वेरिएंट एक ही है, 4GB और 128GB, मतलब जैसे नॉर्मली आते हैं वही वाले वेरिएंट आने वाले हैं, 4GB 128GB वाला। प्राइसिंग मैंने कहा आपको 235 यूरोज। अब यूरो का प्राइस जो इस टाइम चल रहा है वो 86 रुपीज के आसपास चल रहा है, कन्वर्ट करते हो तो 20,000 के आसपास आता है। लेकिन ये यूरोप के प्राइसेस हैं, यूरोप के प्राइसेस इंडिया के प्राइसेस से बहुत डिफरेंस होती हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था मोटो वन फ्यूजन प्लस का, जो कि यूरोप में कुछ 26-27,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, जबकि इंडिया में 16
डायरेक्ट 10 से 11 हजार का फर्क, तो इसमें उतना फर्क तो नहीं एक्सपेक्ट करता मैं, क्योंकि मोटो G8 प्लस 14 हजार 15 हजार में लॉन्च हुआ था, तो इसका भी प्राइस उतना ही रहेगा, 14-15 हजार के आसपास ही रहेगा। तो 5 हजार का डिफरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन उतना नहीं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये 15,000 के आसपास इंडिया में आएगा। अब लॉन्च डेट की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से अक्टूबर खत्म होने से पहले ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो कैसा लगा मोटो G9 प्लस अगर इस स्पेसिफिकेशन का? अभी देखो इसके चिपसेट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। जैसे पता चलेगा वैसे उसके बारे में बताता रहूंगा, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आते रहेंगे सारी चीजें। एंड टच में रहो मुझसे इंस्टाग्राम पे, कोई भी क्वेरीज है जब भी पता चलते हैं मैं वहाँ पे बताते रहता हूँ। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कोई चीजें पूछनी है, वहाँ पे आके पूछ सकते हो। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, भी देख सकते हो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें चेक कर सकते हो एंड मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो व्यक्ति में जो क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नए कहने से, तब तक के लिए दोस्तों जय।